हेलो वरन बफेट जी, कैसे हो आप? भाई सरदार जी, मैं तो बढ़िया, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ। बस आज आपसे मिलना था कि आपने शेयर मार्केट में बहुत रुपए कमाए, मैंने ऐसा सुना है, तो भाई मुझे भी बता दीजिए कैसे कमाए, कौन कौन सी सक्सेस बातें जो आपने जान ली है, और हमें मुझे कैसे अप्लाई करनी चाहिए मुझे भी बताइए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने तो बहुत पैसा कमाया स्टॉक मार्केट पे, और सक्सेस बातें भी है मेरे पास। तो अगर आप सक्सेस बातें जान ली तो आपको बहुत ही फायदा होगा, तो इसके लिए तो आपको मेरी पूरी की पूरी बातें सुननी होगी भाई। क्यों नहीं वरुण जी, पूरा की पूरी आपकी बातें सुनूंगा, मुझे बता दीजिए क्योंकि मुझे भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है भाई, क्यों नहीं, तो बता मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम। रूल नंबर वन, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेड। अब रूल नंबर वन, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेड क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो सरदार जी देखिए, अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई साइकोलॉजी तो होगी, रीज़न तो होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस शेयर का जो ट्रेड किया आज, तो वो ट्रेड किया तो वो क्यों किया, वाई और विच रीज़न, व्हाट रीज़न क्या है उसके पीछे, वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ओके, तो वो समझ लिया ना, तो उसके बाद आप अगर उस ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे, पर आपको कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ रीज़न था। ओके, सीधी सी बात है सरदार जी, अगर आप रीज़न के साथ ट्रेड करोगे ना, तो प्रॉफिट होगा या लॉस, पर कुछ उसमें से सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक बात याद रखना सरदार जी, ईच एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मैं इतना पैसे वाला बनाऊँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, 13 साल की उम्र से मैं सीखते आ रहा हूँ। ईच एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, डेली कुछ नया सीखते रहना है और उसकी नोट बनाना है। सरदार जी, हमारा दिमाग ऐसा तो नहीं है कि हमको सब कुछ याद रह जाए, इसलिए हमें उसकी नोट बनाना है सरदार जी। और एक बात याद रखना और एक्सेप्ट कर लेना, शेयर बाजार में बिगिनर्स हो या कोई पण एडवांस लेवल के भी आप क्यों ना हो, आप कितने भी मार्केट पर रिसर्च करके क्यों ना बैठे हो, कितने भी डीप रिसर्च क्यों ना की हो आपने, पर मार्केट से स्मार्ट आप नहीं हैं, मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट आप नहीं हैं, ये बात एक्सेप्ट कर लेना। कुछ भी हो जाए, हमेशा मार्केट ही जीतता है, जीता था, जीता है और जीता रहेगा। आप कितनी भी रिसर्च कर लो, किसी भी मार्केट को प्रेडिक्ट मत करना कभी भी। अगर मार्केट के साथ रहे तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस बुक करके निकल जाना। ओके, मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट मत करना कि मार्केट ही हमेशा जीतता है, वो अपनी तरीके से चलता है, इसको प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। सिर्फ एग्रेसिव रहकर लर्निंग और उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो कई हद तक आप मार्केट के साथ चल सकते हो, पर मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट आप अपनी जात को मत समझिएगा, खुद को मत समझिएगा। सिर्फ लर्निंग करनी है और उसकी 10% लर्निंग करनी है और 90% प्रैक्टिस करनी है। एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा कि जब आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं, वॉरेन बफेट जी ने कुछ कहा था आपको। ओके, क्या बात है वरुण जी, आपने जो पहला रूल बताया वो तो मेरे समझ में आ गया, और उसकी भी अब मैं नोट भी बनाऊंगा, जो जो अब मैं सीखूंगा उसकी नोट भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू वरुण जी, अब दूसरा रूल बताओ वरुण जी। रूल नंबर टू, एक्वायर द नॉलेज ऑन द हाउ द मार्केट ट्रूली वर्क। सबसे पहले रूल नंबर क्या दो क्या कह रहा है ये समझ लीजिए कि मार्केट काम कैसे कर रहा है, कोई रीज़न तो होगा मार्केट काम करने के पीछे, उसका नॉलेज गेन करो। एक बात समझ लीजिए सरदार जी, मार्केट काम कैसे कर रहा है और व्हाट अ रीज़न बिहाइंड मार्केट वर्क, इस बात को समझ लिया, वो रीज़न समझ लिया, तो याद रखिएगा कि आपके जो शेयर मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मार्केट कैसे काम कर रहा है उसका नॉलेज गेन करना शुरू कर दो। अब ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी कोई स्ट्रेटर्जी तो होगी, नहीं है तो बनाओ स्ट्रेटर्जी,
बिगिनर्स हो के रिटेल इन्वेस्टर हो के उनकी कोई स्ट्रेटर्जी नहीं होगी ज़्यादातर, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेटर्जी बनाओ और उस स्ट्रेटर्जी को आप मार्केट को पहले एनालिसिस करो, उसके बाद स्ट्रेटर्जी बनाना, और उस स्ट्रेटर्जी को आप मार्केट के हिसाब कंपेरिजन करो, क्या चल रही है मार्केट, जैसे चल रहा है वैसी मेरी स्ट्रेटर्जी चल रही है या नहीं चल रही, स्ट्रेटर्जी के हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है। याद रखना, स्ट्रेटर्जी अगर काम कर रही है तो बढ़िया, और अगर नहीं कर रही है ना तो उसमें इम्प्लीमेंट चेंज करना ज़रूरी है। वॉरेन बफेट जी मैं हूँ, इसलिए मेरा कहना मान लेना, क्योंकि मैंने, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी स्ट्रेटर्जी काम नहीं कर रही है तो मेहरबानी करके आप इम्प्लीमेंट करिए उसमें, चेंज करिए उसमें। और दूसरी बात, मार्केट किस इन्फॉर्मेशन पर कैसे रिएक्ट करता है उस बात को भले जान लो। सीधी सी बातें दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, अर्निंग रिपोर्ट्स और कई सारे इन्फॉर्मेशन जिस पर मार्केट रिएक्ट करता है, अप डाउन, जैसे कई रीज़न है उसकी वजह से मार्केट अप जाता है डाउन आता है। और एक बात याद रखना सरदार जी, अपने स्टॉक मार्केट के पूरी जितने टाइम आप करने वाला उतना पूरी लाइफ में, कि जब मार्केट में नॉइस अफवाह ज़्यादा होना, तब याद रखना मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएगा, और उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि उस टाइम ना कोई स्ट्रेटजी ना कोई नॉलेज कुछ काम नहीं आएगा। बस अगर आपने पेशेंट रखना सीख लिया ना, बस तो वही उस समय काम आएगा। पेशेंट नहीं होगा ना वो सरदार जी, तो याद रखिएगा कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉलेज भी उस टाइम काम नहीं करेगा। उस टाइम पेशेंट चाहिए, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। जब नॉइज ज़्यादा हो ना, जब सब बोले ना खरीदो खरीदो खरीदो, याद रखना उस समय ट्रेड नहीं करना है, और जब सब बोले ना बेचो 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 सब, तब खरीदना है। ओके, समझ लीजिए ये बात। क्या बात है वॉरेन जी, आपके पास पहला रोल दूसरा रोल सुन के तो मजा आ गया भाई, क्या बात है, अब तीसरा रोल भी सुना दो। तो सुनिए सरदार जी, रूल नंबर 3, डेवलप अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑर्डर। रूल नंबर 3 क्या कहता है वो देख लीजिए, कि आपको ट्रेड करने के लिए जो एंट्री और एग्जिट है उसको एक स्ट्रेटजी उसकी बनानी है, उसका नॉलेज गेन करना है, कब एंट्री करे कब एग्जिट करे। इस रूल को सरदार जी आपने डीपली समझ लिया ना, तो मैक्सिमम चांसेस आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। आपने मार्केट को नॉलेज, मार्केट कैसे चलते हैं उस नॉलेज को गेन कर लिया, बट आपकी स्ट्रेटजी आइडिया जो है वो मार्केट में प्रॉपरली कैसे प्लेस करना है उसको पता नहीं चला ना सरदार जी, तो आपका नॉलेज कोई काम का नहीं रहेगा। सीधी सी बात है सरदार जी, आपका जो आइडिया है वो आप मार्केट में प्रॉपरली प्लेस कर पाते हो या नहीं कर पाते, उसके ऊपर ही आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा। सीधी सी बात है, इसके लिए ये बात ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए एंट्री ऑर्डर और एग्जिट ऑर्डर को यूज़ करो। वो कैसे, सबसे पहले आपकी एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस जितनी ज़्यादा एक्यूरेट, मीन्स एक्यूरेट मीन्स इतनी एक्यूरेट कि जब आप एंटर करें तब आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर का सपोर्ट प्राइस है, इससे ज़्यादा आप नहीं टूटेगा, और जब तक आप सेल करो तब आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर बहुत हाई वैल्यू पे चला गया है, तो आपको उसको बेच देना चाहिए, वही आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। आपकी एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस ही आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगी, सपोर्ट प्राइस जान लेना और टारगेट प्राइस जान लेना, वही आपका प्रॉफिट है। उसके लिए आप लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर यूज़ करो, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट दिलाएंगे, क्योंकि कब आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है और कब मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। आपकी एंट्री जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और आपका एग्जिट आपके लॉस को, लॉस होने से बचाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने से आपको बढ़ाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिलाएगा आपका एग्जिट पॉइंट भी।
मान गए ओरेंज जी, नाम तो आपका ऐसे ही नहीं बना है भाई, क्या बात है ओरेंज जी। सुनाओ सुनाओ, चौथा रूल भी सुना दो। सुनिए सुनिए सरदार जी, रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज रिस्क। अगर ये रूल आपको नहीं पता होगा ना, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेंगे। ये रूल आपको शेयर मार्केट में लॉस कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुनिए, आप एज अ ट्रेडर हो या एज अ इन्वेस्टर हो, आपको रिस्क के लिए एक हेल्थी रिस्पेक्ट डेवलप करनी होगी। जो रिस्क है उनकी, उसके लिए आपको एक रिस्पेक्ट तो तैयार करनी पड़ेगी। तो वो कैसे डेवलप करोगे तो बताता हूँ, सुनिए सरदार जी। मोस्ट पीपल एंटर अ ट्रेड ड्रीमिंग अबाउट हाउ मच मनी दे कैन मेक, बट आई वरी अबाउट हाउ मच आई कैन लूज। सीधी सी बात है सरदार जी, जो भी लोग शेयर स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि वो कितना पैसा कमाएंगे, वो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, पर वो कभी नहीं सोचते कि वो कितना लॉस करेंगे। यही रीज़न है सरदार जी, कि यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में 90% पीपल लॉस करते हैं। यही रीज़न की वजह से किसी को रिस्क के बारे में पता ही नहीं है, सब प्रॉफिट गिना रहे हैं पर करता कोई नहीं है प्रॉफिट। इसके लिए क्या करना चाहिए सरदार जी, इसके लिए ट्रेड करने से पहले आपको अपनी तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेना पसंद करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा सरदार जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज करिए, यह आपका लॉस कम करेगा। याद रखिए सरदार जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपका लॉस कम करेगा, और रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ओके सरदार जी, ये रूल समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। बहुत बहुत आभारी आपका ओरेंज जी, ये रूल जो आपने समझा दिया ना, उसके बाद आगे से मैं ध्यान रखूंगा, पूरी तरीके से रिस्क का ध्यान रखूंगा। तो ओरेंज जी, अब अगला रूल भी समझा दीजिए मुझे। जरूर जरूर सरदार जी। तो सुनिए, रूल नंबर 5, पिक अ स्ट्रेटजी दैट मैच द मार्केट कंडीशन। तो ये रूल क्या कहता है कि आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी चुनो जो मार्केट के हिसाब से काम कर रही हो। तो वो कैसे क्या है, तो सुनिए सरदार जी, ये रूल जो है ना, वो मोस्ट टॉप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए, जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे और क्या, सुनिए। द मार्केट इज लाइक स्टोरी बुक, दे टेल यू अ न्यू स्टोरी एवरी डे। समझ लीजिए, मार्केट एक स्टोरी बुक की तरह है और उसमें से आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए तो तैयार ही रहना है, ऑलरेडी रहना तैयार ही रहना है आपको। सुनिए, ईच डे डेली मीन्स आपने जो लर्न किया है ट्रेडिंग डे से पहले, रात को जो आपने लर्न किया है, और उस दिन ट्रेडिंग वाले दिन को जो मार्केट का रिएक्शन है और जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कैसे काम कर रही है। अगर आपकी स्ट्रेटजी आप मार्केट के हिसाब से चल रही है तो कोई बात नहीं, उन दोनों के बीच का गैप जो डिफरेंस है स्ट्रेटजी और मार्केट के चलने का वो सेम है तो कोई बात नहीं है। पर अगर स्ट्रेटजी जो आपकी लर्निंग थी और वो कुछ और है और मार्केट का रिएक्शन कुछ और है, तो सरदार जी गांठ बांध लीजिए, अगर आपको मार्केट को कंडीशन को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपकी लर्निंग उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो आपको पहले मार्केट की कंडीशन को समझो, जब तक समझ ना आए ना सरदार जी तब तक ट्रेड मत कीजिए। जब समझ आ जाए मार्केट की कंडीशन, तब आप एक स्ट्रेटजी बनाओ और उसको अप्लाई करो सरदार जी। क्योंकि एक बात एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि नो स्ट्रेटजी वर्क्स ऑल टाइम, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं जिसकी सारी स्ट्रेटजी काम करे या करे, चाहे मैं वॉरेन बफेट क्यों ना हूँ, खुद ना क्यों ना हूँ, ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए सरदार जी। इसलिए स्ट्रेटजी बना और वो मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर रही है, कर रही है तो बढ़िया, और नहीं कर रही तो तब तक ट्रेड मत कीजिए। ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो मार्केट के हिसाब से काम करे, मार्केट को मैच हो। सीधी सी बात है सरदार जी, ये गोल्डन रूल है, 5वां रूल।
और उसके बाद का जो छठा रूल है ना, वो तो आप सुन के ही मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ओरेंज जी, पांचवा रोल भी मुझे तो बहुत समझ नहीं आया है, पर मैं फिर से वीडियो देख लूंगा और फिर से समझ लूंगा। पर आप छठा रोल बता दीजिए ना मुझे। सुनिए सरदार जी, आखिरी और छठा रोल, रोल नंबर 6, मैनेज द स्ट्रेटजी। अगर पहले के 5 रूल को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया बट इस रूल को नहीं समझ पाए ना, तो सरदार जी याद रखिएगा, आपके जितना भी आपके नॉलेज गेन किया है, जितनी भी स्ट्रेटजी है, जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई है, वो कुछ काम नहीं करेगी अगर उसको मैनेज करना नहीं आया ना। तो समझ लीजिए वो मैनेज कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया करने वाले हो, अगर आप कल मंडे मार्केट खुलने वाला है और आप कल एक ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जांपल के हम समझ लीजिए कि आप रिलायंस का ऑर्डर कल लेने वाले हो, ट्रेड करने वाले हो, तो आप किस प्राइस पर रिलायंस का शेयर बाय करोगे, किस पर सेल करोगे, कितना प्रॉफिट मिलते ही आप अपनी पोजीशन कट करोगे, कितना लॉस होगा तो आप निकल जाओगे उस ट्रेड से, और उस ट्रेड करने के बाद आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, आगे की प्लानिंग क्या है, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। पूरा का पूरा रूल नंबर 6 समझ लीजिए, बाय कब किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस बुक कर सकते हो, आगे की प्लानिंग क्या है, आगे कौन सा ट्रेड करें, सब कुछ। स्ट्रेटजी आपने 2-3 तो बनाई होगी, और वो 2-3 स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है वो सुन देख लीजिए, क्योंकि 2 या 3 स्ट्रेटजी जो आप काम कर रहे हैं वो हर वक्त मार्केट में काम करेगी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो उस स्ट्रेटजी को मैनेज करना सीखिए, जो आपने 2 या 3 या 4 स्ट्रेटजी बनाई है उसमें से कोई एक काम करेगी तो उसको अप्लाई करना जानना ज़रूरी है, कि वो काम करिए तो उसको लगाए, आपको वह मैनेज करना है, स्ट्रेटजी को मैनेज करना है कि यह स्ट्रेटजी अभी काम करे तो उसको हम अप्लाई करें, नहीं कि दूसरी। जो आप हमेशा सभी इन्वेस्टर सभी ट्रेडर 2 या 3 स्ट्रेटजी पर काम करते, तो स्ट्रेटजी हमें समझ लेनी चाहिए। सीधी बात सरदार जी, आखिरी बात बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एक गेम है और हमें इस गेम के रूल को समझ लेना चाहिए, और उस रूल को समझने के साथ हमें प्लानिंग के साथ पूरा प्लान करके हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। प्लान करा होगा ना आपको, तो आपके मार्केट शेयर मार्केट में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। रूल को समझ लिया और प्लानिंग के साथ ट्रेड किया ना, तो इसके लिए स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को सीख लो, कब कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है वो, और कोई भी ज़रूरत हो सरदार जी मुझे कॉल कर दीजिएगा, है मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सरदार जी, तो और कोई भी बात हो तो बताइए मुझे। क्या बात है ओरेंज जी, आपके जैसा इंसान मुझे कोई मिला ही नहीं है अभी तक। सीधी सी बात है, आपने ऐसे पैसे कमाए तो आपके पास ही ऐसे गोल्ड रोल हो गए। सबसे पहले मैं घर जाके ये 6 रोल जो है सबसे पहले अपनी नोट बनाऊंगा और लिख लूंगा, और सबसे निवेदन है सब ये रोल लिख लेना। हमें याद तो बहुत कुछ रहता नहीं है ना, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते, तो इसलिए हमें लिख लेना बहुत ज़रूरी, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत आभारी, और अगर अगली बार मैं जब आपसे मिलूँगा तब आप मुझे और भी रूल बताएंगा, उस पर भी मैं काम करूँगा। सबसे पहले 6 रूल जो है उसको मैं पूरी तरीके से लर्न करूँगा और उसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो वरेन जी अब आगे कहाँ मिलना है? शुक्रिया शुक्रिया सरदार जी, मेरा तो काम है लोगों को ऐसे रूल बताना, गोल्डन रूल बताना। आप इस रूल पर काम कीजिएगा, लर्निंग कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा सरदार जी, और आगे भी मेरे पास बहुत सारे जो रूल्स है स्ट्रेटजी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उसके पहले एक ब्रेक ले लेते, मुझे चाय नाश्ता करना है, तो मिलते हैं ना ब्रेक के बाद।